हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से, आपके एंजल्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। ओके, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इस टाइम पे अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा यू नो, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलना, मेथोडिकल अप्रोच लेके चलना, स्ट्रैटेजाइज करना अपने करियर को लेके, कैसे अपने पैशन को आपको एक स्टेबिलिटी में टर्न करना है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आप कोई न्यू प्रॉपर्टी लो, अपने घर के अंदर आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन दो कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपको डरा सकते हैं, आपकी जर्नी से आपको साइड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं सुननी है, उन लोगों का नहीं सुनना है, आपको अपना सच देखना है, आपको अपना ट्रुथ देखना है। एंड यस, दैट इज इट। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि तो द हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वृषभ राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ डिसीजंस बनाने पड़े नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली भी आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है कुछ डिसीजंस लेने को। किसी को बोला जा सकता है कि यू नो, आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, किसी को बोला जा सकता है शादी कर लो, कुछ कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन इस चक्कर में आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन तभी लेना है जब आपको लगता है कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। ओके, लेट्स सी हमारी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप मेहनत करते करते थक चुके हो, क्योंकि उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन यही चीज़ आपको एक अलग रियलाइजेशन पे लेके जाएगा, एक नया सच का एक्सपीरियंस करवाएगा, एक नया ट्रुथ आपको पता चलेगा डेफिनेटली। एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से अपोलोजाइज करना चाहो नेक्स्ट 24 आवर्स में, या कोई और आपसे अपोलोजाइज करना चाहे। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ कप्स। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब एक टाइम आ चुका है उन चीज़ों से मूव ऑन करने का, जो एक्चुअली नॉट इवन मूव ऑन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, और ये जो पीछे आप छोड़ रहे हो ना, ये बहुत ही अनफिनिश्ड बिजनेस है। ओके, कि जो चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी है, लेकिन वो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है, वो चीज़ें कम्प्लीट नहीं हुई हैं, आपने लोगों को क्लोजर नहीं दिया है, बीच में काम छोड़ देना, ये वियर्ड वियर्ड चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आपकी जो पीछे छूट चुकी हैं। तो इस चीज़ से कम्प्लीटली अगर आपको मूव ऑन होना है, तो आपको पहले स्ट्रेंथ लगा के अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, इन पुरानी सिचुएशंस को ठीक करना पड़ेगा, कम्प्लीट हीलिंग में सरेंडर करके आपको आगे जाना पड़ेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है सिंह राशि। The Fool, Two of Swords and a Six of Wands. तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कन्फ्यूजन हटती हुई दिखाई दे रही है, कोई रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू फूल्स वाली एनर्जी में स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, करियर को लेके एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा एक ग्लूमी सिचुएशन हो सकती है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है, थोड़ा डिस्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेके, एक जगह होपलेसनेस होगी, और स्टिल आप ट्राई करोगे कि आप चीज़ों को लेके होपफुल रहो। तो थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर बैलेंस बिठाना, डिसबैलेंस हो जाना, कि एक पॉइंट पर एकदम डीमोटिवेटेड फील करना, एक पॉइंट पर बहुत मोटिवेटेड फील करना, तो ऐसा लग रहा है आप अपनी स्पिरिचुअल साइकिल के ना एकदम मिडिल में हो। ओके, तो वहाँ पे जब भी हम किसी स्पिरिचुअल साइकिल के मिडिल में होते हैं, तो हमारी ये ड्यूअलिटी आती ही आती है, वही एक टाइम होता है जहाँ पे हमें चूज़ करना होता है कि हमारे लिए सही क्या है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि,
चुकी है तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों के लिए आप फाइनली एक नई जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट यूनिवर्स आपके लिए एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस डिसीजन के साथ मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप को लेके है। डेफिनेटली रिलेशनशिप में आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, आपका जो बॉन्ड है अपने पार्टनर के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट भी हो सकते हो, किसी पानी वाली जगह पर जाना, इट कैन बी अ ट्रिप, बट ऐसा भी हो सकता है आप यू नो परमानेंट शिफ्ट करो अपने पर्सन के साथ, तो वो एक डिसीजन डेफिनेटली बनाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, थोड़ा सा आपको देख के चलना है व्हेन इट कम्स टू योर ओन एनर्जी एंड आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो। स्पेशली कोई मेल फिगर है जो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं रॉन्ग डिसीजंस लेने में, या शायद से आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पर्सन है ये मेरी लाइफ में बहुत रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िद हो सकती है या आपकी ईगो है जो आपको बिलीव, आपको लगता है कि आप ही सही डिसीजन लेते हो, कोई और नहीं लेता, या आपके पापा नहीं लेते, या कोई मेल फिगर मुझे डेफिनेटली लग रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है अपनी ईगो को साइड रख के कि एक्चुअली में सही डिसीजन कौन ले रहा है, एक्चुअली में बात सही है किसकी। ओके, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये एक पैटर्न है जो मुझे आपका ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी धनु राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, धनु राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर आपको बैलेंस करने की नीड है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिसेप्शन इन्वॉल्व है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिसेप्शन इन्वॉल्व है एंड आपको बार बार इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको यूनिवर्स से साइंस मिल रहे हैं, आपको चीज़ों को लेकर डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी ना पकड़ी जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस चीज़ को लेके नाउ इज़ द टाइम कि आप अभी भी चीज़ों को बचा सकते हो, अभी भी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो, तो उस चीज़ के ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करने की नीड है। लेट्स सी हमारी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाले हैं, फाइनेंशियल सेविंग होती हुई बहुत अच्छे से दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कुछ नया काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना कुछ खुद का स्टार्टअप भी हो सकता है जो आप स्टार्ट करना चाहो। स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो ये बहुत अच्छा टाइम है वो चीज़ करने का, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की साइड से, आपकी काफ़ी सेविंग्स होती हुई दिख रही हैं, फ्यूचर में भी आपकी लॉन्ग टर्म में भी आपके फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो इंक्रीज ही होगी। लेट्स सी हमारी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, तो हमारे पास आया है द स्टार, द डेथ एंड सेवन ऑफ कॉइन्स, तो आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं आपने काफ़ी प्रे किया है इस पर्टिकुलर विश को लेके एंड यूनिवर्स ने फाइनली आपकी वो विश सुन ली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग है, या फिर यू नो अगर आपका कोई बेबी है या कुछ, उस इंसान की भी हीलिंग होती हुई दिख रही है, फिजिकल लेवल पर काफ़ी हीलिंग होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपकी कोई प्रेयर है जो या कोई विश है जो फाइनली ग्रांट करते हुए दिख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। ओके, लेट्स सी हमारी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों के लिए आया है सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कॉइन्स एंड नाइन ऑफ कॉइन्स, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को बोला जा रहा है एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इन जनरल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े विक्टिम मोड में हो सकते हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको फील हो सकता है कि मैं तो इस इंसान के पास जा ही नहीं सकती, मेरे पास तो कोई हेल्प करने को है ही नहीं, मेरे तो फाइनेंसिस में भी ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं चीज़ों को लेके कंफ्यूजन में नहीं जाना, विक्टिम मोड में नहीं जाना, आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना है, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में रहना है जिससे कि आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलें। मैंने कहीं पर यह सुना था कि अगर आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए या ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए तो थैंक यू बोलना छोड़ दो, लेकिन अगर आप थैंक यू बोलते रहोगे यूनिवर्स
फोकस को तो यूनिवर्स आपको देते रहेंगे। तो ये एक वो टाइम है जहाँ पे आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।